अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद अब जा रहे हैं वर्कशॉप पे। पहला काम सुबह सुबह होता है वो ये होता है कि ये लाइट्स ही लानी होती हैं, ये दोनों, क्योंकि हमारे पैरट्स जो है ना वो यहाँ पे होते हैं तो वो रोशनी में और खुश रहते हैं। रात को बंद कर देता हूँ और सुबह उठते ही उनकी जो लाइट है वो जला देते हैं ताकि रात को सो सकें और सुबह वो खाना वगैरह खाना खा सकें, पानी पी सकें। तो इनका ये वाला जो दाना है ये थोड़ा कम हो गया है। डाल दिया और पानी पहले ही पड़ा था, तो अभी चलते हैं अपने काम पे। ये हमारी किचन है। ये वाला पहले ही लॉक है, तो अब अपना रूम लॉक करूँगा। एसी बंद, लाइट बंद। फिर उधर स्कूल जा रहे हैं। 8-10 दिन पहले थर्ड फ्लोर का काम किया था, आज सेकंड और फर्स्ट फ्लोर का काम करना है। देखो आज ख़त्म होता है या सेकंड का आज करेंगे तो जो फर्स्ट का है वो फिर कभी कर लेंगे। सब दरवाजे जो हैं वो बंद करने होते हैं। जब भी मुझे देखते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, शायद भूख की वजह से, लेकिन अभी टाइम नहीं है खाने का इनको। आज सैटरडे था तो पिछले दिनों एक स्कूल का काम कर रहे थे, तो आज उसकी सेकंड जो फ्लोर था उसके तमाम जो सारे एसी थे उनकी रिपेयरिंग करनी थी, तो आज आए थे सेकंड जो फ्लोर है उसकी रिपेयरिंग करने। ये ऑफिस है जिधर टीचर्स लोग बैठते हैं, तो हर कमरे में 2 एसी लगे हुए थे, हर कमरे में 2 एसी, तो तकरीबन ये 12-13 कमरे थे, तो सब की रिपेयरिंग की है, सब की मेंटेनेंस जो होती है वो की है। इसी तरह 8 एसी जो हैं वो गैलरी में लगे हुए थे, गैलरी बनती है वहाँ से लेकर उस साइड से फिर ऐसे टर्न करके इधर यहाँ तक आती है, ये पूरी गैलरी है। तो हमारा काम तकरीबन मुकम्मल होने को, लास्ट रूम का काम जारी है जिसके एसी को ज़्यादा ख़राब थे, तो उनमें शायद गैस नहीं थी, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए शेप ऊपर गया हुआ है। इस रूम के एसी जो थे वो ज़्यादा ख़राब थे तो अभी तक खुले पड़े हैं। ये वाले तो दूसरी साइड वो है, दोनों खुले हुए हैं। तो ये माशाल्लाह वतनी के बलून्स हैं। ये गिफ्ट्स रूम है, वो मैं पूछ रहा था तो कह रहे थे गिफ्ट्स रूम है। माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे हैंड की पेंटिंग हुई है, मोहम्मद सलमान है। इसी तरह ये एक बस है, स्कूल बस है, शायद पुराने जो पुराने दौर की है, पुराने वक्तों की है। इसी तरह ये सकाफत है, ये टोपी है जो पुराने ज़मानों में होती थी, तो ये मेरे ख्याल में धोती है जिसको लुंगी बोलते हैं वो है। ये बर्तन है पुराने ज़मानों में जो इस्तेमाल होते थे। ये प्याला सा है, ये कप है, ये भी कोई इस तरह की चीज़ है, ये सुराही है, सुराही कह रहे हैं, कह लें आप लोटा कह लें, इस तरह की मिट्टी की बनी हुई है जो पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होती थी। ये उसका फ्रेम है बिल्कुल इस तरह। ये एक बैग सा बना हुआ है, ये नीचे वो है जैसे हमारे यहाँ रोटियों वाली होती है ना वो है। तो ये एक प्याला है, ये भी सुराही टाइप बना हुआ है। तो ये घड़ा है पानी वाला, हमारे यहाँ तो होता था ना वैसे, बिल्कुल ये पानी वाला घड़ा है। और ये इसको टूटी लगाई हुई है जैसे कूलर को टूटी होती है ना, तो मुझे तो इतना पता है हमारे जहाँ जब पुराने ज़माने में घड़े होते थे ना तो उनका पानी बहुत ठंडा होता था नेचुरली, तो ये उसी तरह का घड़ा है। ये आपको नज़र आ रही है, पूरी एक सकाफत दिखाई हुई है। ये नीचे चटाई टाइप है, तो ये जो चीज़ है ना ये चीज़ ज़्यादा दिखाने वाली है। ये एक झोंपड़ी सी बनाई हुई है, झोंपड़ी सी, तो अंदर चारपाई है इसकी, झोंपड़ी के अंदर चारपाई डाली हुई है। तो इसी तरह बस ये एक शीप है, ये सारा सामान है जो पुरानी सकाफत को ज़ाहिर कर रहा है। हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब बस हमारे यहाँ दौर बदल गए हैं, यहाँ ज़्यादा बदल गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमसे ज़्यादा साथ दें। हमारे पास पैसा आ जाए ना हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे बच्चों ने बनाए हुए हैं या उनके पेरेंट्स ने बनाए हुए हैं, लेकिन तो हाइफ हैं सब, ये तो हाइफ हैं, ये भी बनाए हुए हैं ऐसे। ये जूस का डब्बा है एक लगा के साथ में, एक बिस्किट है,
ये ऐसे करके, ये सारी चीज़ें, ये मेरे घर में टॉफ़ी हैं, बच्चों ने तोहफे दिए हुए हैं, जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती थी वो, ये बिस्किट हैं, इसी तरह ये गम है, च्युइंग गम है, बबल है, तो ये भी ऐसे, ये तकरीबन यौमुल वतनी के हवाले से ना, ये तकरीबन पूरे जो तोहफे हैं वो हैं। ये मेरे ख्याल में आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है, ये सऊदी अरब का जो है ना मैप है, ये सऊदी अरब का मैप है। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, वैसे सजावट, ये बिस्किट, ये ऐसे स्टिक हैं, स्टिक के आगे टाफियाँ लगाई हुई हैं, ये चाय वाले कप हैं, अंदर टाफियाँ रखी हुई हैं, ये खजूर के दरख्तों का मॉडल बनाया हुआ है। देखें ये बर्तन है मिट्टी के, जो पुराने ज़माने में बच्चे बनाते थे ना, जब बचपन में बच्चे बर्तन बनाते थे, ये वो हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। तो अब इनकी समझ नहीं आ रही ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, बस ऐसे ही एक मॉडल से बनाए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, इनकी कुछ समझ आ रही है। ये जो है ना, ये यहाँ पे चक्की होती है हाथ वाली, ये नीचे वाला पत्थर होता है, ऊपर ये इसका बेलना होता है, तो ये इसके ऊपर वो ज्वार या किसी चीज़ के भी दाने रख के ना, तो इसको ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे कर घुमाते हैं, तो ये पीसता रहता है इस नीचे पत्थर के साथ। ये एक बर्तन सा बना के उसमें पेड़े डाले हुए, वो ऊपर रख के फिर उसको पिसाई करते हैं, ऐसे ये भी चीज़ें हैं। ये मग है, बड़ा मग बनाया हुआ है ये साथ में, ये किसी चीज़ का ढकना है। ये तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं हैंडमेड हैं, और हमारे यहाँ बच्चों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी जाती। ये भी अब पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसे समझ नहीं आ रही क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। ये एक हवेली सी बनी हुई है, यानी कि पूरा घर बना हुआ है, तो ये भी अंदर, ये अंदर इसका रूम बना हुआ है, ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, तो साथ में अंदर फ्लैग पड़ा है सऊदी अरब का, ये भी कुछ पार्किंग टाइप है। तो ये फिर दोबारा बर्तन आ गए, बर्तन जो हाथ के बने हुए बच्चों के हैं वो हैं, तो साथ में ये घर है, ऐसे एक मॉडल से बनाए हुए हैं, ये साथ में कुछ पेंटिंग्स हैं। ये 93 ईयर्स मुकम्मल हो गए सऊदी अरब को बने हुए, मकम करम है, रोज़ा पाक है, फ्लैग है, ये रियाद में एक बिल्डिंग है, इसी तरह ये भी 93 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं सऊदी अरब को। तो ये मक्का का लॉक टावर है, तो ये रियाद में बिल्डिंग है, इसी तरह ये हैंडमेड है, सारे जो पेंटिंग्स हैं ये हैंडमेड हैं, हाथों से बनी हुई हैं। ये भी सऊदी जो है ना मैप है, और ऊपर फ्लैग बना हुआ है, ये भी ऐसे ही है। ये ऊँट है, सूरज है, ऊपर परिंदे, इसी तरह ये मक्का और सऊदी फ्लैग, और ये सातरे आदमी बिल्डिंग, ये भी ऐसे ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ये भी तो कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। जैसे ये टोटली हैंडमेड है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, जिसमें सनी प्लास्ट है, ये इंजेक्शन है, ये कटर है, मुख्य ये ट्यूज़र है, कैंची है, ये नीचे ये फेफाडोल का सिरप पड़ा है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। तो ये है एक, जैसे हमारे ज़माने पुराने ज़माने में बनते थे ना, ये कपड़े बनते थे, चादरें बनती थी, तो वो है एक पैटर्न, एक नमूना बनाया हुआ है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तोहफ़ हैं, यानी कि ये तोहफे हैं। मैंने पूछा ये कौन सा रूम है, तो वो कह रहे थे ये तोहफे हैं, जो यौमुल वतनी या मुख्तलिफ जो त्यौहार होते हैं उन पे जो लोग देते हैं, यानी बच्चे जो देते हैं, बनाते बेशक बच्चों के पेरेंट्स ही हों, लेकिन बच्चे लेके आते हैं स्कूल में, इधर यहाँ पे जमा करते हैं। उसका दरवाज़ा है, उसके ऊपर ये बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं, जा रहे हैं जो ऊपर ए सी ख़राब थे उनको रिपेयर करने। कौन से फ्लोर पे जाएंगे? सेकंड फ्लोर पे हमारा काम है, सेकंड फ्लोर के बाद हम जाएंगे ऊपर रूफ पे, छत पे। एग्जिट है, ऊपर जाने का रास्ता है, ये सेकंड फ्लोर पे अगर क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आएगा ना सैटरडे ग्राउंड फ्लोर क्लियर करेंगे। वही छत आ गया पुराना, जिसका नज़ारा आपको पहले भी एक दफ़ा कराया था, पहला काउंट खराब था, ये खराब था, इसमें गैस डाली है, तो ये अब चल रहा है, ठीक हो गया, अब दूसरा जो है उसको चला बना रहा है, शेप जो गैस को चूल्हे दे रहा है।
क्यों, जब गैस डाली जाती है ना तो वो ऐसे जब सिलेंडर से गैस निकलती है ना तो अंदर वो फ्रीज हो जाती है, तो उसके लिए फिर हिलाना पड़ता है सिलेंडर को ताकि प्रेशर जो है उसका ज़्यादा हो और फिर गैस आसानी से डल जाए। थर्ड फ्लोर के ऊपर हम रूफ़ के ऊपर खड़े हैं, तो ये नीचे का एक मंज़र है, ये आउटडोर है, बाहर निकलने का रास्ता है। सऊदी फ्लैग जो कि पूरी उम्मत का फ्लैग है, आज सेकंड फ्लोर का काम है वो भी मुकम्मल हो गया। अभी नेक्स्ट जो आएगा ना सैटरडे उसको आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी सामान जो है वो लोड करते हैं और चलते हैं घर वापस। एक पीएन का ऐसी बाकी है, वो कह रहा था वो ज़रूरी है, वो भी बना के जाना, तो अभी उसको देखते हैं। ये पीएन का रूम पानी के फिल्टर ही है नहीं सारे ठाड़ कोई नहीं कर रहा। करता पे देते मत सु कर लो ना, नहीं फिल्टर सर हवा ताकत आली ना हवा गवी है ये भी तो वे ना फिल्टर में की लाना, ये तो हवा ना कड़ता पे तो होता हवा चंगी बली है कड़ता पे। वापस आए काम से तो आज लेट हो गई थी, तो होटल से ले आए चावल और जो यहाँ की होती है मंदी, मुर्गी मंदी, चिकन मंदी। मगरब की अजान हो रही है और धूप देखो हैं, अभी अभी घर आया हूँ, मगरब की अजान हो रही है तो ये धूप देखें आप माशाल्लाह, मगरब की अजान हो रही है और धूप ऐसे है ना जैसे सूरज जो है सर पे हो, वो इसलिए कि यहाँ ये ऊपर बादल है ये इनको सूरज जो है ना वो ऊपर ये हाइट पे है तो सूरज इनको पड़ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर ऐसे लग रहा है जैसे धूप है और साया भी है। अब ये आपको पाइप अंदर साया नज़र आ रहा होगा, बिल्लियाँ भूख से, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ, इशा के बाद इनका टाइम होता है। तो ये माशाल्लाह ऊपर ऐसे है जैसे सूरज है, तो मैं आया था लाइट्स जलाने। ये लाइट्स गैलरी की वो धूप नज़र आ रही होगी आपको। रात के 12 बजने वाले हैं और खाना वगैरह जो हमने खा लिया हुआ है, तो अभी टाइम हो गया सोने का। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।